साथियों, हमारे देश में एक और क्षेत्र रहा है जिस पर हाथ लगाने में सरकारें बहुत हिचकती रही है, ये है टैक्स सिस्टम। बरसों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब तक हमारे यहां प्रोसेस सेंट्रिक टैक्स सिस्टम ही हावी रहा है, अब उसे पब्लिक सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास टैक्स जीडीपी रेशियो में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना भी है। जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, हर दिशा में हमारी सरकार ने टैक्स में कटौती की है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज पर एवरेज टैक्स रेट 14.4% था, जो कि आज कम होकर 11.8% हो गया है। इस बजट में ही इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। पहले टैक्स में छूट के लिए कुछ तय इन्वेस्टमेंट जरूरी थे, अब आपको एक विकल्प दिया गया है। साथियों, कभी कभी देश के नागरिकों को टैक्स देने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इस प्रक्रिया से और प्रक्रिया का पालन कराने वाले लोगों से होती है। हमने इसका भी रास्ता खोजा है, फेसलेस असेसमेंट। इसके बाद इस बजट में फेसलेस अपील की भी घोषणा की गई है, यानी टैक्स एसेस करने वाले को अब ये पता नहीं चलेगा कि वो किसका टैक्स एसेस कर रहा है, वो किस शहर का है। इतना ही नहीं, जिसका टैक्स असेसमेंट होना है उसे भी पता नहीं होगा कि कौन अफसर है जो उसके टैक्स का असेसमेंट का काम कर रहा है। यानी खेल की सारी गुंजाइश खत्म हो गई है।